बेंगलुरु शहर में रामदेव भक्त मंडल बेंगलोर की ओर से अग्रहारा दासर हल्ले में नवनिर्मित लोक देवता बाबा रामदेव प्रार्थना मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को राजा योगी संतोष नाथ की धूनी व संत सध्यातार्थ एवं योगी लक्ष्मण नाथ के सानिध्य में मंदिर में स्थापित होने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा का पूजन हुआ। वैदिक ऋचाओं के साथ उच्चारण के साथ मंत्र पैच पंडित के मार्गदर्शन में लाभार्थियों ने यज्ञ में आहुति दी। पूरे दिन बाबा के मंदिर में दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला जारी रहा। महोत्सव में भजन संध्या का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद संरक्षक इंद्रलाल सोलंकी ने स्वागत करते हुए कहा कि रामदेव भक्त मंडल के लिए प्रार्थना मंदिर का निर्माण करने के लिए मंत्री सुमन्ना का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुमन्ना ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद एवं उनकी मर्जी के अनुरूप होते हैं, यहां सभी मिलजुल कर रहते हैं। बाबा रामदेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस अवसर पर इंद्रलाल सोलंकी, राजेश पारिक, पोखराज मेहता, अध्यक्ष चेतन सिरवी ने सुमन्ना सम्मान किया। अम्बेडकर मैदान में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में खचाखच भरे पंडाल में विख्यात गायिका आशा वैष्णव एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की।